हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बॉन्साई हंटर। इन द वर्कशॉप टुडे आई हैव गॉट अ लैंडस्केप पेंजिंग फॉर यू। आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ लैंडस्केप पेंजिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक लैंडस्केप पेंजिंग। शुरुआत में हमारे पास में एक रॉक थी और उसके अंदर हम एक रूट इन रॉक क्रिएट करना चाह रहे थे और धीरे धीरे करके हमें लगा कि हम इसे एक लैंडस्केप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने इसे एक लैंडस्केप पेंजिंग के अंदर कन्वर्ट किया। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे हमने इसे बनाया है। इस रॉक में काफ़ी मात्रा में छेद हैं, नेचुरल हैं ये, और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी हमने वहाँ पे थोड़ा चीजल करके उन्हें और गहरे कर दिया है। तो आज हम लगाने वाले हैं इस रॉक के अंदर ऑस्ट्रेलियन फाइकस। ये इसका नीचे का हिस्सा है, इसे हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। नीचे के हिस्से को सील करने के लिए हमने एल्यूमिनियम जाली का यूज़ किया है। एल्यूमिनियम जाली को फोल्ड करके हमने अंदर अच्छे से इसे प्रेस कर दिया है। अब हम इसके अंदर मॉस को इंसर्ट करेंगे और प्लांट को लगाएंगे। ये मॉस तब काम में आएगी जब जो प्लांट है इसकी रूट्स यहाँ से निकल के नीचे चली जाएगी। ये पूरा हिस्सा हमने रूट्स के लिए रखा है। इस तरीके से जो छेद होते हैं इन्हें आप मॉस से नीचे से बंद कर सकते हैं। यह है हमारा ऑस्ट्रेलियन फाइकस। बहुत ही सुंदर बैंड्स क्रिएट किए हमने इसके अंदर और इसमें रेमिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया है। जो सॉइल थी उसे हमने मॉस से कवर कर दिया है, इससे हमें वाटरिंग करने में आसानी रहती है और रूट्स भी प्रोटेक्ट रहती है। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं क्लिप्स। ये जो क्लिप्स हैं ये मॉस को भी अच्छे से इंटैक्ट रहती है और रूट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, हमारा सेटअप कंप्लीट होने के बाद एक काम बाकी रह गया है। ये जो रॉक्स हैं ये फिगराइन से हम इन्हें ग्लू करेंगे और इसमें हम सीमेंट एरल्डाइट का यूज़ कर सकते हैं और परमानेंटली ये इसके ऊपर ग्लू हो जाएगा। यहाँ पे हम हमारा मेन रॉक लगाने वाले हैं। इसकी सरफेस को हमने रफ़ कर दिया है
इस तरीके से हमने इसके अंदर कटर से स्क्रैचेस डाले हैं जिससे कि ग्लू या सीमेंट आसानी से इस पर चिपक सके। ये बहुत ज़रूरी होता है वरना आपके रॉक्स इसके ऊपर चिपकेंगे नहीं और बहुत जल्दी जैसे ही पानी लगेगा बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से सीमेंट के साथ हम इसे ग्लू करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी पेंजिंग शेप लेने लगी है। यहाँ पे हम कुछ ग्रीनरी करना चाहेंगे। एक छोटा सा आइलैंड है और ये हमारा सी एरिया है, ये पानी का हिस्सा है। यहाँ पे हम एक बोट लगाएंगे। दोस्तों, ये हमारे पास में कैक्टस है, इसे हम ग्रो करने वाले हैं यहाँ पर। हार्डी प्लांट है और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा लैंडस्केप कंप्लीट हो चुका है। यह है हमारी फिशरमैन बोट। थोड़ी सी ग्रीनरी है यहाँ पे। यह है हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारा मेन फीचर है इस पेंजिंग का। सबसे पहले हमने इसे क्रिएट किया और उसके बाद में हमने दूसरी चीज़ों को ऐड किया ताकि ये एक पूरा प्रोजेक्ट बन सके। ये ऑस्ट्रेलियन फाइकस है। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye.